क्या नाम है आपका? बलराम निषाद हमारा नाम है। किस ग्राम सभा के? इसी ग्राम सभा दौलतपुर के हम पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। दो कार्यकाल हम क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या है गांव में सब शौचालय जो ग्राम प्रधान द्वारा बनवाए गए हैं सब अर्धनिर्मित पड़े हुए हैं, कोई पुरुषाहाल नहीं है। और उक्त शौचालय के संबंध में मैंने DM साहब को और CDO साहब को कई बार प्रार्थना पत्र देकर के अवगत कराया है, लेकिन वो BDO बलहा खंड विकास अधिकारी महोदय अपने सेक्रेटरी के बचाव के पक्ष देखते हुए जांच एवं कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जबकि CDO साहब ने कई बार कहा BDO से कि तत्काल जांच कीजिए, आख्या दीजिए, लेकिन BDO साहब अपने कर्मचारी को बचाव के पक्ष में हमेशा रहे, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और यहाँ के जो आवास हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा जो 17, 18 और 19 में जो आवास दिए गए थे उसमें कम से कम मान करके चलिए कि कुछ लोगों के तो नींव पड़ी ही नहीं है और कुछ लोगों की नींव पड़ी है तो उनको ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए अर्धनिर्मित हैं। वो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा रिश्वतखोरी के चक्कर में जो है लाभार्थियों के आवास अर्धनिर्मित पड़े हुए हैं। दूसरी बात, इनकी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से जो नरेगा के तहत काम कराए जा रहे हैं तो फर्जी तरीके से उस पर पैसा निकाला जा रहा है। पटी हुई सड़कें जो है वो घास छिलवा करके और उसको दिखवा करके और जो है फर्जी तरीके से पेमेंट निकाल रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने अभी जल्द ही में अभी हमने 22 तारीख में गए थे, DM साहब से मिले थे, प्रार्थना पत्र दिया था और अपनी समस्याएं सब अवगत कराया था ग्राम सभा की, तो वो मेरे विरोध में, वो ग्राम प्रधान महिला है इसलिए वो जाकर के DM साहब से बताई है कि वो हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं और उन्होंने जो है SO मोतीपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा है। जबकि अब वो महिला होने के नाते वो धमकी भी दे रही है कि अगर गांव में कोई बात उठाए, कोई कहे, तो महिला होने के नाते सब लोग तो सामने टिक नहीं रहे हैं। लेकिन मैं इस दौलतपुर की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों और कर्मचारियों में हमेशा आते जाते रहते हूँ। जब तक समस्या का निदान नहीं हो जाएगा तब तक हम बंद नहीं करेंगे, चाहे CDO साहब हो, DM साहब हो, हर जगह जाकर के अपनी समस्या अवगत कराते रहेंगे। इतनी बार आपने एप्लीकेशन DM हम कम से कम DM साहब को मान करके चलिए कि सन 2019 से लगातार BB20 चल रहा है, हमने तमाम शिकायतें किया है, तमाम लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके पास मेरे पास तमाम फाइल मौजूद हैं, निकाले फाइल, अभी हम फोटो ले लेंगे, तमाम फाइल मौजूद है मेरे पास, लेकिन वहां से तो कार्यवाही जिले से तो तगड़ी होती है लेकिन जब ब्लॉक में पहुंचती है तो ब्लॉक के कर्मचारी अपने कर्मचारियों को बचाव के पक्ष में आते हुए और जो है झूठी साची रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं, कार्यवाही नहीं होती है।